नमस्ते, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। 17 नवंबर 2020 पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल मुकाबला कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के बीच में। लाहौरी लड़के यानी कि बाबर आजम खेल रहे थे अपनी फ्रेंचाइज कराची किंग्स के लिए। खैर, बात करते हैं मैच के बारे में। सोहेल अख्तर जो है लाहौर कलंदर्स के कप्तान थे, इन्होंने टॉस जीता और पहले इन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सोहेल अख्तर को लगा कि भाई बड़ा मैच है तो थोड़ा सा पहले बैटिंग कर लो और उसके बाद जो है हम लोग टारगेट सेट करके डिफेंड करेंगे स्कोर। बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच थी, लेकिन शुरुआत भी कुछ अच्छी सोच के साथ ही हुई। पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़ दिए। कौन? तो इनके ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने 35 रन का योगदान दिया, जबकि फखर जमान जो है 24 बॉल पे 27 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों बल्लेबाजों को उमैद आसिफ ने आउट किया। मोहम्मद आमिर इस मैच में बहुत ज्यादा पीटे, लेकिन दोनों के आउट होने के बाद लाहौर कलंदर्स के रन की रफ्तार जो है काफी ज्यादा धीमी हो गई। 2 रन बनाकर मोहम्मद हफीज आउट हुए। बेन डंक भी 11 रन बनाकर चलता किया इनको, जबकि जो इनके कप्तान साहब सोहेल अख्तर थे इन्होंने 14 रन का योगदान दिया और बाकी की पूरी टीम जो है लगभग 20 ओवर में 134 रन ही बना सकी। 7 विकेट के नुकसान पे 135 रन का टारगेट मिला कराची किंग्स को। 20 ओवर में 135 रन बड़ा ही आसान टारगेट लग रहा था और लग भी रहा था कि आराम से ये टीम जो है मुकाबला जीत जाएगी कराची की टीम, क्योंकि उस सीजन बाबर आजम अलग ही फॉर्म में चल रहे थे। अलग ही फॉर्म में मतलब कि जो भी गेंदबाज आ रहे थे सबकी कुटाई हो रही थी और बहुत तबीयत से कुटाई कर रहे थे। मतलब बराबर बराबर सबको दवाई दे रहे थे बाबर आजम, बहुत रन मारे थे उस सीजन। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए बाबर आजम और शर्जील खान। भाई साहब, गजब की जोड़ी थी कराची किंग्स में इन दोनों की, मतलब क्या ही बताएं। शर्जील खान तो अभी भी है। शर्जील खान ने 13 रन की पारी खेली। शुरुआत कुछ ठीक नहीं रही, शर्जील खान जल्दी आउट हो गए। 23 रन के स्कोर पे पहला विकेट गिरा, लेकिन बाबर आजम ने इसके बाद तो खूंटा गाड़ दिया। 49 गेंदों का सामना किया और नाबाद इन्होंने 63 रन की पारी खेली, 7 चौके लगाए। और एलेक्स हिल्स इस मैच में थे, कराची किंग्स के लिए ही खेल रहे थे। इन्होंने 11 रन बनाए, जबकि चैडविक वॉल्टन विकेटकीपर इनके, इन्होंने 27 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन की पारी खेली। और इमाद वसीम जो है 7 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। चूंकि स्कोर ज्यादा नहीं था तो पूरी की पूरी टीम जो है मुकाबला आराम से जीत ली और इस तरीके से कराची किंग्स को बाबर आजम ने चैंपियन बना दिया। 135 रन का टारगेट मिला था और इसे आसानी से हासिल भी कर लिया। 5 विकेटों से कराची किंग्स की टीम ने लाहौर कलंदर्स को हरा के पीएसएल का पहला खिताब अपने नाम किया। 473 रन बनाने वाले बाबर आजम को पूरे टूर्नामेंट के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला, जबकि इस मैच में उन्होंने 2 कैच भी लपके थे। तो 49 गेंदों में 63 रन बनाने के लिए बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। 63 रन के अलावा 2 कैच भी उनके नाम थे टोटल। तो फाइनल के हीरो भी और टूर्नामेंट के हीरो भी खुद बाबर आजम बने थे और कराची किंग्स को ट्रॉफी दिलाने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान था तो बाबर आजम का था। अफसोस की बात यह है कि कराची किंग्स से जो है अब नाता बाबर का टूट गया है। पेशावर जलमी ज्वाइन कर लिया उन्होंने और इसी टीम की कप्तानी करते हुए वह नजर भी आएंगे। तो ऑल द बेस्ट बाबर आजम और होप्सो कि 14 फरवरी को जो मुकाबला होगा कराची किंग्स और पेशावर जलमी के बीच में, तो उम्मीद करेंगे कि अपनी पुरानी टीम के खिलाफ थोड़ा सा हल्का हाथ रखे। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन जो भी था मजेदार था। कम से कम बाबर आजम के नाम एक पीएसएल ट्रॉफी तो है ही, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी उन्होंने जीता हुआ है। पीएसएल में पीएसएल का एक ही किंग है और उसका नाम है बाबर आजम। धन्यवाद।